I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. टाइगर को कब लोगों ने एक एक्शन स्टार के रूप में अपनाया? टाइगर ने रैम्बो को क्यों रिजेक्ट किया? टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ था तब से वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे. वहीं उनकी इस फिल्म और इस लुक के कारण उनकी तुलना डायरेक्ट हॉलीवुड की फिल्म रैम्बो के कैरेक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ होने लगी थी. और मजे की बात ये है कि लोगों की ये तुलना अब सच हो रही है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेकर्स हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की बॉलीवुड वर्जन यानी कि वो बना रहे हैं जिसमें उन्होंने टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया है. टाइगर ने अपनी एक्टिंग डेब्यू फिल्म हीरोपंती से की थी लेकिन उन्हें ये एक्टिंग अगर हम बात करें उनकी एक्टिंग को और साथ ही उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे. लेकिन बागी के सीरीज ने उनकी अगर हम बात करें उन्हें लोगों के सामने एक नया अवतार में देखने को मिले और साथ ही लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया. टाइगर अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखते हैं इसके लिए वो कई घंटे जिम में बिताते हैं और लंच में प्रोटीन शेक लेते हैं. उन्होंने कहा था कि वो सुबह उठकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं और साथ ही साथ डांस रिहर्सल भी करते हैं. टाइगर के मुताबिक उनकी डाइट उनके गोल और उनका क्या कैरेक्टर उन्होंने प्ले करना है उस पे डिपेंड करते हैं. टाइगर का चीट डे संडे होता है. वो उस दिन आइसक्रीम और चॉकलेट खाना पसंद करते हैं. टाइगर की अपकमिंग फिल्म रैम्बो की अनाउंसमेंट साल 2017 में ही हो गई थी लेकिन उस टाइम अगर हम बात करें कुछ कम टाइम अगर बात करें रीजंस के कारण टाइगर ने फिल्म से किनारा कर दिया था लेकिन मौका मिलते ही वो वापस फिल्म में काम करने आ गए हैं. और उनके डूबते हुए करियर के लिए ये भी बहुत ही जरूरी है. इस फिल्म पर ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे लेकिन अगर हम बात करें फिल्म टाइगर के हाथ लगी इसका मतलब साफ है कि एक्शन अवतार की बेस्ट चॉइस टाइगर श्रॉफ थे और इस फिल्म में वो एक्शन किंग बने थे. जी हाँ दोस्तों. और अगर आपको बता दें दोस्तों साथ ही इस फिल्म के थ्रू विद्युत जमावल भी खुद को एक्टिंग किंग के तौर पर एस्टैब्लिश कर सकते थे. और अगर हम बात करें दोस्तों अब देखना ये है कि दोनों एक्टर्स में से किसे इस फिल्म से ज्यादा फायदा मिलता है. अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा बॉलीवुड का ही होगा. बात करें दोस्तों इससे बॉलीवुड को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रिप्यूटेशन मिलेगी साथ ही दूसरे एक्टर्स को भी सपोर्ट मिलेगा. जाहिर सी बात है कि मेकर्स को ये फिल्म रियल फिल्म से मिलती जुलती बनानी होगी और इसकी सीरीज बनाने की संभावना है. खबरों की माने तो इस फिल्म में हमें हॉलीवुड फिल्म रैम्बो के एक्टर यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें दोस्तों टाइगर की अपकमिंग फिल्म की तो बागी फ्रेंचाइजी की फोर्थ सीरीज भी टाइगर के हाथ में है और इस अगर हम बात करें दोस्तों इस बार भी बहुत ही ज्यादा अलग अंदाज में वो नजर आने वाले हैं. आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका फिल्म को बारे में आपका क्या कहना है. बाकी भी जिसके लिए बने रहिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज.